मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मॉर्फोमेट्री आकारमिति के सेकेंड पार्ट पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बेसिन मॉर्फोमेट्री पर बात करेंगे। बेसिन मॉर्फोमेट्री का अर्थ है ड्रेनेज बेसिन। किसी भी नदी के अपवाह क्षेत्र को हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, और इस ड्रेनेज बेसिन के तहत हम उसका अध्ययन तीन पक्षों के अंतर्गत करते हैं। लीनियर एस्पेक्ट, रैखिक पहलू, एरियल एस्पेक्ट, क्षेत्रीय पक्ष, और रिलीफ एस्पेक्ट, उच्चावच पक्ष। तो आज हम ड्रेनेज बेसिन मॉर्फोमेट्री के तहत लीनियर एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो अपवाह बेसिन, ड्रेनेज बेसिन में के अध्ययन में लीनियर एस्पेक्ट के तहत हम नदियों की संख्या, नदियों के हायरार्किकल ऑर्डर का निर्धारण करते हैं, उनकी संख्या का अध्ययन करते हैं, उनकी लंबाई ज्ञात करते हैं, और लंबाई पर आधारित विभिन्न नियमों का अध्ययन किया जाता है। नदी की वक्रता सूचकांक पर अध्ययन करते हैं, सिनुओसिटी इंडेक्स का अध्ययन करते हैं, मेंडरिंग प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, स्ट्रीम जंक्शन एंगल का अध्ययन करते हैं इत्यादि। ये जरा सा थोड़ा कठिन टॉपिक है और अधिकांश विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाया नहीं जाता रहा है, इसलिए कृपया जो अगर आपको दिलचस्पी हो तो इसको गौर से सुने। अब फिर उससे ज्यादा गहराई में पुस्तक में मेरे जो दिया हुआ है आकारमिति का अध्याय, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो एकदम आपको मजा आएगा और अच्छी तरह से आप उसको समझ जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम करते हैं, जो भी हम ड्रेनेज बेसिन का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें विभिन्न नदियों का पदानुक्रम, हायरार्किकल ऑर्डर हम निश्चित करते हैं। यानी एक प्रमुख बेसिन होती नदी होती है, जिसको मास्टर स्ट्रीम कहते हैं, उसकी सहायक होती हैं ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, और कुछ ऐसी सरिताएं होती हैं जिनकी कोई सहायक नहीं होती है, यानी उनका जल किसी और नदी से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वो स्वयं एक क्षेत्र का जल ग्रहण करती हैं। तो इसको आगे चल करके हम बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम कहते हैं। तो हम ड्रेनेज बेसिन को पहले हम डिमार्केट करते हैं, किसके आधार पर, जल विभाजक तय करते हैं। ऊंचाई के आधार पर हम उस क्षेत्र को मार्क करते हैं जहां का जल प्रवाहित होकर के विभिन्न नदियों की सहायक नदियों के माध्यम से मुख्य नदी में पहुंचता है। फिर उसको एक लाइन से हम घेर देते हैं, वो होती है ड्रेनेज बेसिन, और उसके बाह्य बाउंड्री को हम कहते हैं बेसिन पेरीमीटर। और उद्गम से जहां से वो नदी निकलती है और जहां किसी और नदी में मिल जाती है, या झील में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, वहां, यानी उद्गम से लेके, सोर्स से लेके उसके आउटलेट तक की जो है हम नदी की लंबाई उसे कहते हैं, और आउटलेट से लेके सोर्स तक की जो स्ट्रेट लाइन से हम मेजर करते हैं उसको बेसिन लेंथ कहते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि सरिताओं का बेसिन के अंतर्गत पदानुक्रम कैसे निश्चित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रयास किया था ग्रेवेलियस महोदय ने किया था 1914 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने स्ट्रीम ऑर्डरिंग का परिकलन नदी के मुहाने से प्रारंभ किया, आउटलेट से प्रारंभ किया, ना कि उसके उद्गम से लेकर के, यानी फ्रॉम आउटलेट अपवर्ड,
जो कि लोगों ने इसको न्याय संगत नहीं समझा और ये ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया और व्यवहार में नहीं आ पाया। इसके बाद आरी हार्टन ने 1932 और 1945 में ड्रेनेज बेसिन मार्कोमेट्री पर अपना बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठ फेमस शोध पत्र प्रकाशित किया था फील्ड स्टडी के आधार पर। तो हार्टन महोदय का जो स्ट्रीम नंबरिंग का जो सिस्टम है वो शुरू होता है उन सरिताओं से जिनकी कोई सहायक नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती हैं। इनको कहते हैं फिंगर ट्रिप ट्रिब्यूटरीज, अंगुल्याकार जो है वो सरिता जो होती है, इसको उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर नाम दिया। और इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर की दो नदियां जहां मिलती हैं संगम के नीचे, सेकेंड ऑर्डर माने नेक्स्ट हायर ऑर्डर बनता है। नेक्स्ट हायर ऑर्डर इज जनरेटेड डाउन द कॉन्फ्लुएंस वेयर टू स्ट्रीम्स ऑफ सेम ऑर्डर मीट। तो फर्स्ट ऑर्डर की दो नदी मिलेगी तो संगम के नीचे सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर की जो दो नदी मिलेगी तो जंक्शन के नीचे थर्ड ऑर्डर नेक्स्ट हायर ऑर्डर बनेगा। तीसरे ऑर्डर की दो नदी जब आपस में मिलेगी तो संगम के नीचे चौथे ऑर्डर का निर्माण होगा। इस तरह से क्रम चलता रहता है और अंत में वो नदी का ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर हो जाता है, पांचवें ऑर्डर की है, छठे की है, सातवें की है, आठवें की इत्यादि। लेकिन उसमें एक ये भी नियम है हार्टन के अंतर्गत कि अगर किसी भी ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की नदी उसमें मिलती है तो ऑर्डर की संख्या नहीं बढ़ेगी। जैसे सेकेंड ऑर्डर की नदी में अगर फर्स्ट ऑर्डर की नदी पुनः मिलती है या थर्ड ऑर्डर की नदी में सेकेंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर की नदी मिलती है तो उसका ऑर्डर थर्ड ही रहेगा। यानी द लोअर ऑर्डर कैन रिवर कैन नॉट इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर। और इस तरह से जब एक ऑर्डरिंग हो जाती है तो देखिए फिर दूसरी एक्सरसाइज शुरू होती है, रिक्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट नदी जब मिली आपस में तो संगम के नीचे सेकेंड ऑर्डर बना। लेकिन एक सेकेंड ऑर्डर की नदी को हम सोर्स तक ले जाएंगे किस आधार पर, जो सबसे लंबी होगी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की दो नदी थी उसमें एक का फिर ऑर्डरिंग बदल गया, उसको हम सेकेंड ऑर्डर कहेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर की एक रही। इसी तरह जब सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की दो नदियां आपस में मिलती हैं थर्ड ऑर्डर बनता है, तब हम ये निश्चित करते हैं कि थर्ड ऑर्डर की लंबाई कितनी है। तो सेकेंड ऑर्डर की दो नदियों की लंबाई जितनी जो सबसे लंबी होती है उसको फिर से हम वो थर्ड ऑर्डर नंबर उसको देते हैं, बदलता है। इस तरह से पूरे अपवाह बेसिन में नदियों की ऑर्डरिंग बार बार बदलती रहती है, क्लासिफिकेशन एंड रिक्लासिफिकेशन होता है, जिसको लेकर के बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और दैट बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इस समस्या से निदान के लिए एन स्ट्रेलर महोदय ने स्ट्रीम सेगमेंट मेथड का प्रतिपादन किया। और स्ट्रेलर के अनुसार जहां दो फर्स्ट ऑर्डर की नदियां मिलती हैं तो नेक्स्ट हायर ऑर्डर संगम के नीचे बनता है, उसको इन्होंने सेगमेंट कहा, सेगमेंट सेकेंड ऑर्डर सेगमेंट। और इस तरह से जो फर्स्ट ऑर्डर की दो नदियां हैं फिर उनका रिक्लासिफिकेशन नहीं होगा, फिर सेकेंड ऑर्डर के दो सेगमेंट जब आपस में मिले तो थर्ड ऑर्डर का सेगमेंट बना। और वो बाकी वो नियम वही चलता है कि अगर लोअर ऑर्डर की नदी मिलती है हायर ऑर्डर में तो उसका ऑर्डर नहीं बदलता। दिस स्कीम वॉज मच ईजियर, मच प्रैक्टिकेबल, और इसीलिए इसको व्यवहार में ज्यादा लाया गया और सभी लोगों ने अपने शोधों में स्ट्रेलर महोदय के स्ट्रिंग सेगमेंट मेथड को ही अपने में उपयोग में लाया था। मैंने भी लाया था, मेरे स्टूडेंट्स ने भी किया था, वो आज भी लोग करते हैं। अब देखिए ये लीनियर एस्पेक्ट में अभी तो हमने स्ट्रीम नंबर की बात की, तो स्ट्रीम नंबर को लेकर के हार्टन महोदय ने कई नियम बनाया है। जैसे कि द नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट्स
स्ट्रीम लिंक आर स्ट्रीम डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मॉडल इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ जाने पर नदियों की संख्या में ज्यामितीय प्रोग्रेशन में ह्रास होता जाता है, उनकी संख्या कम होती जाती है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की एक नदी होती है और यहाँ पर इस नियम के लिए बाइफर्केशन रेशियो निकाला जाता है। बाइफर्केशन रेशियो माने एक ऑर्डर मतलब अमुक ऑर्डर की सभी नदियों की संख्या और नेक्स्ट हायर ऑर्डर की नदियों की संख्या के बीच में अनुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की नदी 16 है 16 है और नेक्स्ट हायर ऑर्डर जो है वो सेकंड है उसकी 4 है, तो 16/4 दैट इज 4, तो बाइफर्केशन रेशियो 4 है। तो अगर हम किसी भी अपवाह बेसिन में बाइफर्केशन रेशियो कांस्टेंट होती है स्थिर होती है तो नदियों की संख्या में हाईएस्ट ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में वृद्धि होती जाती है। जैसे अगर बाइफर्केशन रेशियो 4 है और पांचवें ऑर्डर की वो ड्रेनेज बेसिन है तो पांचवें ऑर्डर की 1 होगी तो चौथे ऑर्डर की कितनी नदी होगी, 1/4 वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगी, बाइफर्केशन रेशियो 4 है, कितनी हो गई, 4 हो गई फोर्थ ऑर्डर की। अब थर्ड ऑर्डर की कितनी होगी, 4/4 16 हो जाएगी और सेकेंड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लोअर ऑर्डर की कितनी हो जाएगी, 256 हो जाएगी। तो इस तरह से इनको जब हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है तो ये निगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन मॉडल बनता है और ये रिग्रेशन लाइन निगेटिव एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन लाइन बनती है। मीन्स हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ जाने पर नदियों की संख्या में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में वृद्धि होती जाती है। देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर। तो ये स्ट्रीम नंबर से संबंधित हो गए। इसी तरह ड्रेनेज बेसिन में हम विभिन्न क्रम की पदानुक्रम जो निश्चित हो चुका है नदियों की लंबाई नापते हैं और फिर नदियों की लंबाई एक ऑर्डर की नदी की लंबाइयों और मीन लेंथ निकालते हैं और नेक्स्ट हायर ऑर्डर की नदी की लंबाई के बीच में जो रेशियो होता है उसको लेंथ रेशियो कहते हैं और लेंथ रेशियो के आधार पर हम नदी की लंबाई से संबंधित हार्टन महोदय ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो आज चूंकि फेसबुक पर 14 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं हो सकता इसलिए अभी हम लीनियर एस्पेक्ट आज पूरा नहीं कर पाए, केवल आज इतना ही। फिर अगले दिन हम फिर बाकी बचे हुए जो भाग हैं लीनियर एस्पेक्ट के उसका हम जिक्र करेंगे। नमस्कार।